हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को फेसबुक के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जब भी आप लोग इंस्टाग्राम को फेसबुक के थ्रू लॉगिन करते हैं तो लॉगिन नहीं होता है। तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि अगर आपने फेसबुक में पहले से अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ है और आप लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम को फेसबुक के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं, तो ये पहला रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही हो। तो यहाँ पर अगर आप फेसबुक से लॉगिन करना चाहती हैं तो सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर जो आपका फेसबुक अकाउंट है वो होना चाहिए, यानी कि फेसबुक में पहले से ही आपका ईमेल वगैरह यहाँ पे लॉगिन होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम को फेसबुक के थ्रू लॉगिन कर पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि अगर आपने बहुत दिनों से एप्लीकेशन वगैरह को अपडेट नहीं किया है तो इसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा हो, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पे सारी एप्लीकेशन को आप लोग अपडेट रखा करिए ताकि आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आप लोग सभी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाके अपडेट करिए, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो या फेसबुक का हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाती है। और लास्ट में आपको एक सेटिंग कर लेनी है, हो सकता है इस सेटिंग को करने के बाद यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो आप लोग यहाँ पे सेटिंग को ओपन करिए और फिर यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पे जाना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको मैनेज एप्लीकेशन पे जाना है, और यहाँ पे आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और इंस्टाग्राम लिख लेना है। आप लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई देगा, आप लोग ओपन करिए। फिर यहाँ पे आपको स्टोरेज पे आना है और क्लियर डेटा कर देना है। आप लोग इसको क्लियर डेटा पे कर दीजिए, और उसके बाद जब आप जो है इसको फिर से लॉगिन करेंगे फेसबुक के थ्रू, बट आपका जो आईडी है वो फेसबुक में बना होना चाहिए पहले से, तभी आप जो है लॉगिन कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप लोग यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।